हेलो एवरीवन, हम लोग आज के लेक्चर में ये डिस्कस कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस जो एक सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और आपको अपने एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में यूनिट 1 NFA और DFA से रिलेटेड है। तो इस यूनिट के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको DFA और NFA की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन में आपको पता होगा कि 5 टपल्स से हम इसको डिफाइन करते हैं, तो उन टपल्स को एक्सप्लेन करना एक एग्जाम्पल के साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। फिर DFA के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का ये मीनिंग है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से DFA फाइंड आउट करना। इसी तरह से एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आपके पास एक बाइनरी नंबर है और उसका आपने डिविजिबिलिटी विद 3, इसका आपको एक DFA बनाना है। इसी तरह से एक टर्नरी नंबर है और टर्नरी नंबर का डिविजिबिलिटी विद 5 का एक DFA बनाना है। सो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में जरूर आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से मेरा मीनिंग ये था कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2 एंड नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाई 3, आपको इसके लिए एक DFA बनाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2 का DFA बनाना होगा, फिर नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाई 3 का DFA बनाना होगा, एंड देन उसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे उन स्टेट्स का। तो आपको अगर नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2 का 2 स्टेट्स मिलते हैं और नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाई 3 के लिए 3 स्टेट मिलते हैं, तो 2 × 3 टोटल 6 स्टेट्स आपको मिलेंगे और जो फाइनल DFA है उसमें आपको 6 स्टेट्स मिलेंगे। तो आप सभी वीडियोस को देखिए मेरी, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं मेरी वाली वीडियोस में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए DFA के लिए। इसके बाद NFA टू DFA कन्वर्जन बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है और ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं। देन एप्सिलॉन एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए का कन्वर्जन कई 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 बार ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है कि एक एप्सिलॉन एनएफए गिवन है और आप उसको DFA में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रिपेयर कीजिएगा आप इसको। देन मूरे मशीन और मिली मशीन की डेफिनेशंस, उसमें डिजाइनिंग प्रोसेस और मूरे मशीन का मिली मशीन में कैसे कन्वर्जन किया जाता है और सिमिलरली मिली मशीन को मूरे मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लगभग हर एग्जाम में मूरे मूरे मशीन और मिली मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर होते हैं। देन फाइनाइट फाइनाइट ऑटोमेटा का मिनिमाइजेशन, 2 मेथड्स हैं इसके लिए, एक इक्विवेलेंस मेथड और एक माहिल निरोध थ्योरम। तो एग्जाम में यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि माहिल निरोध थ्योरम या इक्विवेलेंस मेथड मेंशन्ड हो, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा का मिनिमाइजेशन आपको करने जरूर आना चाहिए। इक्विवेलेंस मेथड से मेरा ये मीनिंग है कि 0 इक्विवेलेंस, 1 इक्विवेलेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, आप तब तक इक्विवेलेंस फाइंड कीजिए जब तक कि एक इक्विवेलेंस से रिजल्टेंट जो है वो दूसरे इक्विवेलेंस का रिजल्टेंट एक इक्वल आ जाए, या फिर जो नेक्स्ट लेवल का इक्विवेलेंस है वो प्रीवियस लेवल के इक्विवेलेंस के बराबर ही आउटपुट दे। और एक और चीज, इक्विवेलेंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका मीनिंग है कि 2 ऑटोमेटा आपको गिवन है और आपको बताना है कि क्या दोनों सेम ही ऑटोमेटा हैं या दोनों क्या सेम टाइप के इनपुट्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो यही जो है लास्ट टॉपिक होना चाहिए इस यूनिट 1 के प्रिपरेशन के दौरान और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्टरनेट ईयर्स में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यूनिट 2 की हम बात करते हैं। यूनिट 2 में जो सबसे पहला टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे बनाए जाते हैं, तरह तरह के रेगुलर एक्सप्रेशंस लैंग्वेज के लिए हम कैसे बनाएंगे, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। फिर फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। इस कन्वर्जन के दौरान हमें कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स से रेगुलर एक्सप्रेशंस मिलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आर्डेंस थ्योरम का यूज किया जाता है। एग्जाम में लगभग हर साल आर्डेंस थ्योरम को स्टेट करना और उसको प्रूफ करने के लिए आता है, स्टेट एंड प्रूफ दी आर्डेंस थ्योरम, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा।
देन आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, लगभग 2 साल में एक बार जरूर ये पूछा जाता है कि ये एक आइडेंटिटी है और आप इसको प्रूव कर दीजिए, या फिर कोई एक एक्सप्रेशन गिवन है रेगुलर एक्सप्रेशन का और उसको इक्विवेलेंट प्रूव करना है दूसरे दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो इसके लिए जो आइडेंटिटीज हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की वो यूज होंगी। देन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज, दिस इज बाई मिस्टेक रिटन, सो दिस इज रेगुलर लैंग्वेज, सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, लेट मी करेक्ट दिस। और रेगुलर लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टी में मुझे जो एग्जाम के पेपर्स का एनालिसिस के बाद पता चला कि होमोमॉर्फिज्म और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म ये लगभग हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, ये प्रूव करना है कि द रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म एंड रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। इसके अलावा जब भी ये होमोमॉर्फिज्म और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म पूछा जा रहा है तो कभी किसी के साथ इसके साथ में यूनियन को अटैच कर दिया जा रहा है, कभी इसी के साथ में कॉन्कैटिनेशन को या फिर कॉम्प्लीमेंटेशन को। तो आपको सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए, बट स्पेशली होमोमॉर्फिज्म और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म को आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। देन पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, दो तरह से क्वेश्चन इसके आते हैं। एक बार एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव द पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेजेस, या व्हाट इज द पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेजेस, या फिर एक क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये बताना है कि ये जो लैंग्वेज है प्रूव कीजिए कि वो रेगुलर नहीं है यूजिंग दी पंपिंग लेमा। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये कहा जाए कि प्रूव दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि ए पावर पी वेयर पी इज प्राइम, या फिर ए पावर एन एंड बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ऑल्टरनेटिवली एग्जाम में या तो ए पावर पी पूछा जाएगा वेयर पी इज प्राइम, या फिर ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीन्स 13, लगभग 3 साल में एक बार ये भी जरूर पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है कि स्टेट द क्लीन्स थ्योरम, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है जिसमें कि तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, आप उन्हें तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स और उसके एग्जाम्पल्स के अराउंड स्टिक रहते हुए इसका आंसर दीजिएगा। यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ग्रामर और इसका आइडेंटिफिकेशन। कोई ग्रामर गिवन है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टाइप 3 ग्रामर है, ये टाइप 2 ग्रामर है, या टाइप 1 ग्रामर है, या टाइप 0 ग्रामर है। स्पेशल अटेंशन आपको सीएफजी पे पे करना है, क्योंकि सीएफजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एम्बिगुअस ग्रामर, रिमूवल ऑफ एम्बिगिटी एंड पार्स ट्री, इसका मीनिंग ये है कि कोई ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है ये प्रूव करना। अगर ग्रामर एम्बिगुअस है तो उसका रिमूव करना एम्बिगिटी को, और आपको पता है कि जब भी आप एम्बिगुअस ग्रामर प्रूव करते हैं तो लेफ्ट डेरिवेशन ट्री बनाते हैं, उसी को हम पार्स ट्री कहते हैं। तो अगर दो लेफ्ट डेरिवेशन ट्रीज पॉसिबल है या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है तो हम कहेंगे कि जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी, आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है सीएफजी का, बट इसका क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, हर एग्जाम पेपर में। तो हम सबसे पहले नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव करते हैं, देन नॉन रीचेबल सिंबल्स को रिमूव करते हैं, देन इसके बाद एप्सिलॉन प्रोडक्शन को एंड देन यूनिट प्रोडक्शन को। अगर आपसे कहा जाए कि सिंप्लीफाई दिस ग्रामर तो आपको ये चारों स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसमें से जो फर्स्ट टू है इसको हम कहते हैं यूजलेस सिंबल्स को रिमूव करना। कई बार ऐसा भी हुआ है एग्जाम पेपर में कि आपसे ये कहा गया है कि आप यूजलेस सिंबल्स को रिमूव कर दीजिए, तो फिर आप केवल स्टेप नंबर 1 और 2 ही परफॉर्म करेंगे, 3 4 परफॉर्म उस केस में नहीं करेंगे। देन फाइनाइट ऑटोमेटा से सीएफजी में कन्वर्जन करना और रेगुलर ग्रामर को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना, इसका भी क्वेश्चन कई कभी कभी पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, CNF, एक ग्रामर गिवन है उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, लेकिन उससे पहले आपको यूजलेस सिंबल्स को उसमें से हटाना पड़ेगा। इसी तरह से ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म, अगर आपके एग्जाम पेपर में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आया है तो ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म नहीं आएगा, और अगर ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म आया है तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों में से एक फॉर्म को जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। यूनिट फोर में पुश डाउन ऑटोमेटा, उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आप मैक्सिमम कर सकते हैं जरूर कर लीजिएगा।
बहुत ही एक कन्वेंशनल टॉपिक है और कन्वेंशनल टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उसी को पीडीए में पूछा जाता है। देन डीपीडीएन एनपीडीएन, डिटर्मिनिस्टिक पुशडाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुशडाउन ऑटोमेटा में डिफरेंस, और एक पॉपुलर क्वेश्चन डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स, इसके लिए एनपीडीए डिजाइन करना या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए डिजाइन करना। लगभग हर साल के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देन टू स्टैक पीडीए डिफाइन करना और इससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जो दो पॉपुलर प्रॉब्लम्स है इसमें, ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ए पावर एन, बी पावर एम, सी पावर एन एंड डी पावर एम, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ये प्रॉब्लम या तो पहली प्रॉब्लम या तो दूसरी प्रॉब्लम, यही आपके एग्जाम पेपर में आता है, तो जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन पीडीए से सीएफजी में कैसे कन्वर्जन करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है। जितने मैक्सिमम आप इसके एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं जरूर सॉल्व कीजिएगा। तीन रूल्स होते हैं, उन्हीं तीन रूल्स के अराउंड हम पीडीए को सीएफजी में कन्वर्ट करते हैं। देन सीएफजी टू पीडीए कन्वर्जन, ये भी बहुत, ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और दो इसमें रूल्स होते हैं। एक ऐसा ग्रामर जो कि हमारा सीएनएफ में नहीं है, और एक ऐसा ग्रामर जो सीएनएफ में है, उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जेंस करते हैं। देन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, उसी तरह से पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल। अगर आपके एग्जाम पेपर में पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज आया है तो सीएफएल नहीं आएगा, लेकिन अगर पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल आया है तो रेगुलर लैंग्वेज के लिए नहीं है, लेकिन आएगा ये क्वेश्चन जरूर। यूनिट फाइव, मैक्सिमम यूनिट फाइव से जो क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिजाइन के भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना, ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन के लिए बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है। इसी तरह से पैलिंड्रोम्स के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना, ये भी बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है। ए पावर एन, बी पावर एन प्लस टू, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपके लिए पूछा गया था। फिर ट्यूरिंग मशीन फॉर अर्थमेटिक प्रॉब्लम, मैंने ऑलरेडी वर्बली बता दिया है कि पैलिंड्रोम्स के लिए जरूर ट्यूरिंग मशीन आप डिजाइन करना सीखिएगा। दो तरह के पैलिंड्रोम्स हो सकते हैं, एक इवन लेंथ पैलिंड्रोम, एक ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि ऑड लेंथ पैलिंड्रोम का डिजाइन कर दीजिए, या फिर इवन लेंथ पैलिंड्रोम का ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर दीजिए, या फिर आपसे सिंपली पैलिंड्रोम के लिए पूछा जा सकता है। उस केस में आपको दोनों को एक साथ यूनियन करना पड़ेगा, एक ही डायग्राम में शो करना पड़ेगा। देन ट्यूरिंग मशीन फॉर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, इसका मीनिंग ये कि ट्यूरिंग मशीन आपका ट्रांसड्यूसर की तरह से बिहेव करने लगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है। मल्टीप्लीकेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिमिलरली वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना, ये भी ओकेजनली एग्जाम्स में जरूर पूछा गया है। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल चीजें जैसे चर्च ट्यूरिंग थीसिस, ये इसके तीन स्टेटमेंट्स हैं, और इन तीन स्टेटमेंट्स को एलाबोरेट करके आप बताएं, साथ ही साथ कुछ एक बैकग्राउंड भी बताएं कि हु वाज चर्च, हु वाज ट्यूरिंग, उनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में आप जरूर बताएं। फिर रिकर्सिव और रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज, इनके डिस्क्रिप्शन शॉर्ट नोट्स में जरूर पूछे जाते हैं। हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन, अनडिसाइडेबिलिटी, वंस अगेन इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम मिनिमम 4 टाइम्स तो जरूर पूछी गई है। देन टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, आपको पता होगा मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन, मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, सेमी इनफाइनाइट टेप वाली ट्यूरिंग मशीन, ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन, जंपिंग ट्यूरिंग मशीन और रीड ओनली ट्यूरिंग मशीन। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, इनके बारे में दो दो लाइन का डिस्क्रिप्शन और इनके पावर्स के बारे में आप जरूर बताएं। जो फर्स्ट 6 ट्यूरिंग मशीन हैं, इनकी पावर ट्रेडिशनल ट्यूरिंग मशीन के इक्वल होती है, लेकिन जो लास्ट वाली ट्यूरिंग मशीन है इसमें रेड गलती से लिखी है, दिस इज रीड ओनली ट्यूरिंग मशीन। सो रीड ओनली ट्यूरिंग मशीन जो है इसकी पावर ट्रेडिशनल ट्यूरिंग मशीन से कम होती है। देन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, इसके बारे में भी शॉर्ट नोट्स। सो शॉर्ट नोट्स एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक से जो मैंने हम यहाँ पे लिस्ट आउट किया है इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स जरूर आते हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है अपने न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो इनके इन जो प्रॉब्लम्स को मैंने आपको बताया इनके बारे में थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन आप जरूर तैयार करें। साथ ही साथ मैंने थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन बताया था फॉर पंपिंग लेमा, ये भी आप जरूर तैयार करें, क्योंकि पंपिंग लेमा के बारे में
जरूर पूछा जाएगा। एक और टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं LBA, मतलब लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, इससे रिलेटेड भी शॉर्ट नोट्स जरूर पूछे जाते हैं। पंपिंग लेमा फॉर आइदर द रेगुलर लैंग्वेज या फिर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इनमें से दोनों में से एक जरूर आना है, और जरूर प्रिपेयर करें। सो गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप जो मेरी वीडियो है वो आपके काम आएगी, और इसी के अराउंड आप प्रिपरेशन करेंगे। मेरे चैनल में जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इन सभी की वीडियोस अवेलेबल हैं। आई होप वो वीडियोस आप देखेंगे और अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।